देखो जी, सरकार वालों पर जितों पानी आता है उत्थे उपर क्रेट से बने हुए बट वो मतलब ज़्यादा टिक नहीं पाए कि इनू मतलब वधिया ढंग उपरों बने जान अच्छे तरीके ऐसा काम ठीक हो जाए तो इन्ना ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता ना। तो बाकी पानी काफ़ी सी कल साढ़े अंदर काफ़ी स्टॉक के अंदर गया सारे नीचे बाजार च साढ़े मेन बाजार जाता है साढ़े पहला तो इतों ही निकल के जाता है सारे कई अंदर घुस जाता है नुकसान तो है ही आ सारे अंदर। बाकी है कि प्रशासन वालों भी चलो कल फटाफट इतों की अगर मलबा आया वो हटाता गया उन्होंने वालों भी है बट यह है कि उपरों की जिन्हें चक्कर नहीं कंट्रोल होंगे ऐसा हल करके है। देखो जी अपना हिसाब लगाया कल कोई 10 to 15 लगता है कंपनसेट होना चाहिए सारा कुछ ठीक होना चाहिए। देखो हर साल पहाड़ के उत्ते बरखा होंगी बहुत ज़्यादा जिद पानी बहुत ज़्यादा आ जाता उपरों खड्ड का तो खड्ड का पानी आन करके देखो साड़ी दुकान के अंदर बड़ी बढ़ गया है साडा घर आ नाल ही ये अंदर पानी बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे हर साल तो प्रशासन अगर बेनती है भी यदा हल किया जाए। हाँ जी सर लगातार बरसात होने ना इतने हाड़ उपर आ जाता पानी स जबकि सारा स्पिलवे थले नहीं है स्पिलवे होने के कारण बहाव भी पानी का इधर नहीं है तो सारा अंदर तक पानी बढ़ गया जी। यदा कोई हल प्रशासन को करना कि परमानेंट हल ये नहीं कि उपर ब्रेकेज बनाते कि चलो जी हल हो गया जो उपर ब्रेकेज बनाते तो पानी आना नहीं चाहिए थले आ देखो अगे सारे साढ़े मिट्टी मिट्टी है अंदर भी पानी बढ़िया हुआ इदा साफ ही करते रहे असी तो यदा कोई परमानेंट हल होना चाहिए। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.